करीब 25 साल पहले डांग के जंगल में बहुत सारे पक्षी और जानवर पाए जाते थे, परंतु आज पक्षी और जानवरों की संख्या निरंतर कम हो रही है, जिसने जंगल की फूड चेन को तोड़ कर रख दिया है, जिसे फिर से बनाने के लिए नेचर क्लब सूरत ने हिरण प्रजनन केंद्र वांसदा नेशनल पार्क के मध्य में स्थापित किया है। यहाँ बड़े पिंजरे बनाए गए हैं जहाँ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। संस्था का उद्देश्य हिरणों को प्रजनन करके जंगल में छोड़ना है। प्रजनन कराने के लिए अलग अलग चिड़ियाघरों से हिरणों को लाया गया है। पिछले 10 साल से नेचर क्लब सूरत इधर हिरण चौसिंघा का सफलतापूर्वक प्रजनन करवा रहा है। हिरणों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए पशु चिकित्सक नियमित मुलाकात लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वेटरनरी ट्रीटमेंट रूम भी बनाया गया है। अभी तक 22 हिरण को वांसदा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आगे आने वाले समय में और हिरणों को छोड़ा जाएगा। प्रजनन किए हुए हिरणों को छोड़ने के बाद नेशनल पार्क में हिरणों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। नेचर क्लब के स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत से यह प्रोजेक्ट सफल हुआ है। डॉक्टर राजू भाई व्यास इस प्रोजेक्ट के गाइड और हिरण प्रजनन समिति के सदस्य है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ का लगातार साथ और सहकार मिला है, जिसके लिए नेचर क्लब सूरत इन सबका आभारी। नेचर क्लब सूरत has been organizing nature education camps for last 35 years in the Dang forest, and we have exposed around 700 to 800 students every year to the Dang forest. But we have seen that the deer population, ungulate population in Dang forest has reduced drastically, and that is why the predators like carnivore leopards have started moving out of the forest, and they are found in neighboring sugarcane fields or in the neighboring towns, and they have started attacking the village cattle, dogs, and in some cases also human beings. So we thought that we should do something to restore this food chain which has broken, and it is also our duty to help nature to the extent possible, and that is how we started this deer breeding project about 10 years back. And as you have seen in the video, deer have started breeding over there, and we are releasing that back into the wild. And through this, we hope that the human-animal conflicts will reduce. At the same time, the forest will have their herbivores, and the biodiversity of forest will be restored. वन मंत्री तरीके स्नेहल भाई गुजरात गवर्नमेंट पासे एक पण रुपियानी ग्रांट लीधा वगर आटलू सुंदर सेवाकीय कार्य करी रह्या छे त्यारे गुजरात सरकार वती अमारा मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी वती एमने हूँ खूब खूब अभिनंदन पण आपू छूं अने एमनी कामगीरीने बिरदावू पण।